ट्रक मोपेड में आमने सामने टक्कर में पति पत्नी समेत तीन की मौत। वाराणसी जिले के सेवापुरी जनसा थाना क्षेत्र के चौखंडी पचकोसी मार्ग ब्रह्म बाबा मंदिर के समीप मंगलवार के तड़के सुबह लगभग 6 बजे ट्रक एवं टीवीएस एक्सल मोपेड में जोरदार आमने सामने टक्कर हो गई। इसमें एक की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 लोगों ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि बड़ा गांव थाना के सालीवाहनपुर गांव निवासी मंजू देवी पत्नी रामाधार उम्र 40 वर्ष अपने रिश्तेदार विजय एवं उनकी पत्नी शांति देवी के साथ भैरव तालाब राजा तालाब अपने मायके बीमार चाचा कल्लू को देखने जा रहे थे। वही जो ही चौखंडी के ब्रह्म बाबा मंदिर के समीप पहुंचे ही थे कि धूंत की वजह से जनसा से रामेश्वर की तरफ जा रही ट्रक से आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। घटना से घबराए ट्रक चालक उछलते हुए ट्रक समेत हाथी मार्ग से कालिका धाम की तरफ भागने लगे, जहां इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ट्रक का पीछा कर कालिका धाम से ट्रक को कब्जे में लेते हुए चालक को पकड़कर थाने में ले आई और गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। वहीं घटना में मोपेड चालक विजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पत्नी शांति देवी एवं रिश्तेदार मंजू ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक विजय कुमार 2 पुत्रों एवं 2 पुत्रियों के पिता बताया गया जबकि मंजू देवी 3 पुत्र 1 पुत्री का मां बताई गई है। पति रामधार ट्रक खलासी का काम करता है। प्रतिबंधित मार्ग पर ट्रकों के संचालन के स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। कृपा शंकर पांडे जी कौन सा स्थान है? चौखंडी। पांडे जी यहाँ पे अभी एक दुर्घटना हुई है, क्या हुई है? दुर्घटना हुई साहब, एक ट्रक वाले के चपेट में 3 बाइक वाले आ गए। तीन भैया प्रणाम, क्या हुआ? इसके बाद वो लोग धाराशाही हो गए, पुलिस आई, वो लोगों को ले गई और 108 नंबर आया, दवा हॉस्पिटल लेके गया। 00 है थाना के, सूचना लोग दिए, थाना आई ले गई और के बाद ये ट्रक वाले भी पकड़ गए। चालू मतलब हाँ पकड़ गए।